गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग मेंडल के अनुवांशिक के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन आपके असाइनमेंट में एक क्वेश्चन दिया है जिसमें नीले रंग के पुष्प और सफेद रंग के पुष्प को क्रॉस कराने से कौन से रंग का पुष्प आता है और उस पुष्प को जब स्वपरागण कराया जाता है तो एप टू पीढ़ी में कौन कौन से पुष्पों की प्रतिशत कितनी होती है और जीनोटाइप संरचना क्या होती है। तो उसको मैं ये चार्ट से आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान से देखना और फिर इस क्वेश्चन को आप लोग डील कर लेना असाइनमेंट कॉपी पर। तो देखो, हम क्या लेंगे, नीले रंग का पुष्प लेंगे और सफेद रंग का पुष्प लेंगे, जिसमें हम कारक फैक्टर किससे शो करेंगे, कैपिटल बी और स्मॉल बी से। अब हम दोनों के जीन, दोनों के फैक्टर को क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। तो फर्स्ट में कैपिटल बी स्मॉल बी आया, ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन का जितनी भी फूल रहेगी वो नीले रंग दिखाई देगा। क्यों नीले रंग दिखाई देगा, क्योंकि इसमें जो फैक्टर बी भी हम कैपिटल लिए हैं ये प्रभावी होता है, हमेशा एक क्या होता है प्रभावी होता है और एक क्या होता है अप्रभावी होता है, सेकंड क्या हो जाएगा अप्रभावी हो जाएगा। तो जब हम प्रभावी और अप्रभावी के बीच क्रॉस कराते हैं तो हमें आएगा जीन, तो दोनों का आएगा, देखो यहाँ स्मॉल बी भी है ना, तो जीन इसका भी आया है, लेकिन इसका जो प्रारूपी लक्षण है वो शो हो जाएगा, इस कारण से यहाँ पे नीले रंग का पुष्प बनेगा। फिर क्या बोला है कि स्वपरागण कराएंगे, इस वाले जीन सेम ऐसी जीन और लेना है, ठीक है। अब इसके बीच जब हम क्रॉस कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं, तो इसको समझने के लिए हम दोनों के जीन को अलग अलग थोड़ा दूर दूर में ले लिए ताकि हमको क्रॉस कराने में सरलता हो सके, ठीक है। अब वैसे ही जीन और ले लिए, अब इसके बीच में हम क्या करा रहे हैं, स्वपरागण करा रहे हैं। तो देखो, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये दोनों कैपिटल है मतलब नीला रंग, और ये